सुल्तानपुर में गठबंधन प्रत्याशी भीम निषाद ने किया केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। कार्यक्रम में उमड़ा गठबंधन कार्यकर्ताओं का जनसैलाब। किसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने किया जनता का अभिवादन। जिला महासचिव सलाहुद्दीन खान, विधानसभा अध्यक्ष किसौली स्वामीनाथ यादव रहे मौजूद। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भीम निषाद ने अपार जनसमूह के साथ आज केंद्रीय चुनाव कार्यालय का टेढ़ुई टाटिया नगर में उद्घाटन किया। कार्यक्रम में किसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान, किसौली विधानसभा अध्यक्ष स्वामीनाथ यादव और सपा जिला महासचिव सलाहुद्दीन ने जनता का स्वागत एवं अभिवादन किया। कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर भीम निषाद को लोकसभा चुनाव में जीत का भरोसा दिलाया। जिला सुल्तानपुर में गठबंधन के प्रत्याशी भीम निषाद ने कार्यालय केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया टिढ़ुई में सुल्तानपुर के, और अब होली समारोह मिलन का जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस कमेटी में होने जा रहा है। ऐसे में जहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर के गतिविधियाँ तेज हो चुकी हैं, और एक बड़ी खबर इसी बीच सुनने को आ रही है सूत्रों के हवाले से कि भीम निषाद जो कि गठबंधन से प्रत्याशी हैं सपा के, वो इस वक्त कहीं ना कहीं टिकट को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो गर्म हो चुकी हैं, उनका टिकट कट रहा है, और वो फिर उसकी जगह कौन टिकट पाता है ये तो आने वाला समय बता रहा है। इसकी जगह फिर और कौन सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट गठबंधन से मिलता है ये भी आपको देखने वाली बात रहेगी। ये तो कुछ ही क्षणों में सफल साफ तौर पर दिखाई देगा, मगर अभी जो सुल्तानपुर और राजनीतिक गलियारों में बाजार गर्म हो चुकी है इस चर्चा को लेकर के, जहाँ एक तरफ उन्होंने उद्घाटन करा है केंद्रीय कार्यालय सपा के जो कैंडिडेट हैं गठबंधन के तौर पे जो आए हुए हैं सुल्तानपुर से भीम निषाद, और इस वक्त सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि भीम निषाद जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुल्तानपुर लोकसभा 38 से, उनका टिकट कहीं ना कहीं पेच में फंसा हुआ है। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सहयोगी योगेश के साथ नफीस खान, सुल्तानपुर। केंद्रीय चुनाव कार्यालय उद्घाटन के बाद गठबंधन प्रत्याशी भीम निषाद का काफिला जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय नारमल चौराहा पहुंचा, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने गठबंधन प्रत्याशी भीम निषाद, किसौली विधायक ताहिर खान, विधानसभा अध्यक्ष स्वामीनाथ यादव और जिला महासचिव सलाहुद्दीन खान का माला पहनाकर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में स्वागत किया। कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी भीम निषाद ने सभी जनता को संबोधित किया। सुल्तानपुर से यह खबर हमारे संवाददाता नफीस खान ने कवर की है। सोच में बता रहा हूँ कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है और टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। ये सुल्तानपुर की मजबूरी है, अब की बार भीम निषाद जरूरी है। आप लोग इसको सोच लीजिए, मैं कहा सुल्तानपुर के लोग मुझे सुल्तान बना करके, मुझे अपना चौकीदार बना करके दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजेंगे तो मैं पिछड़ों और सर्व समाज में गरीबों की बात रखने का काम आपका बेटा आपका भाई है। तब जा करके हम लोग ये मायावी आरएसएस से लड़ पाएंगे। आरएसएस से लड़ना, अंग्रेजों जैसे लड़ना, जैसे अंग्रेज से लड़ा करते थे हमारे लोग, और उसमें लड़ाई में सबसे ज्यादा निषादों का योगदान है। नदी में डूबो डूबो करके मारने का काम किसने किया है, निषादों ने किया है कि नहीं किया है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।